नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि सीना तान के चलत या नहीं अश्लील है? अश्लील है मानते हैं, पहले आप ही बना दी ओझा जी सैया के दूंच बढ़ जाए, इसका मतलब ढोरी के कुआं कैले बा, इसका मतलब हमारा लहंगा से माल चुहत है, इसका मतलब जमाना बाटे मडले ई मोती जैसे जाई नदिया की नरवा ई यरवा आंख मारे। स्वागत है संजीव सवरिया जी आपका। सबसे पहले तो रविशंकर ब्लॉग के माध्यम से हमको जितने भी देखने वाले श्रोता है उनको नमस्ते प्रणाम है मेरा। मैंने सुना कि आप गाना भी पहले गाते थे और आजकल लिख भी रहे, तो इससे पहले मैं कुछ और पूछूं, कुछ दो चार लाइन गाना सुना दीजिए। कथी बताई सबका से हम कितना मौज उड़ाई ले, कथी बताई सबका से हम कितना मौज उड़ाई ले, आपना बोलो मुबा से रात भर बतियाई ले, हो आपना बोलो मुबा से रात भर बतियाई ले। बताइए इतना अच्छा आवाज मिला है और इतना अच्छा अश्लील मुक्त गाना गाए, एक अश्लील गाना सुना दीजिए जो आप लिखे हैं और रिलीज हो चुका है। अश्लील गाना है जो ओ डी जे राकेश राज जो गा चुके हैं उनको हम दिए है। देहिया है मर छोड़ता चोइया जब बहे पुरवैया रे, देहिया है मर छोड़ता चोइया जब बहे पुरवैया रे, मोरा ढोढ़ी पतलावा लगावे ननदी तोरे भैया रे। इस गाना के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं जो भी हमारे भोजपुरी दर्शक हैं? संदेश क्या है, एंटरटेनमेंट है अपना, एंटरटेन के लिए ना, तो एंटरटेन के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी गवा सकते हैं। कहाँ कुछ गवाए हैं, हम सब गवाते हैं, जो भी दर्शक जो सुनना चाहते हैं वो सब गवाते हैं। पहले ये बताइए आपका कौन कौन गाना रिलीज हो चुका है? रिलीज ऐसे हो चुका है बहुत से गाना है, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग है, कुछ गाना का नाम बताते चलिए। सीना तान का चलत तिया गोली चलवाई का, इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग है जैसे। नहीं, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि सीना तान के चलत या गोली चलवाई दे, ऐसे जो मुंड का जो गाना होता है ना ऑर्केस्ट्रा में ये सब बजता है। कुछ और गाना बताइए। और भी जैसे है बलमुआ आगा कोई लेबा अश्लीले गाना है तो हम मानते। और एक और मैंने आपका गाना सुना कि डरा जाई ले ऐसे करके बलमुआ अजगर दिखावे ला, कैसे गाना है थोड़ा बताइएगा? अजगरवा जो गाना है वो बहुत बढ़िया गाना है। बढ़िया नहीं, अश्लील है? अश्लील है मानते हैं ठीक है, लेकिन जो मतलब जितना मतलब प्यार दे रहे पब्लिक उसके वजह से हम नहीं लिखते हैं। नहीं ना, तो देखिए कहा जाता है कि रोटी दो हाथ से पकता है, यानी जब तक या ताली भी बजाएंगे तो दो हाथ से बजेगा। आपका कहना है कि सुनने वाले सुन रहे हैं तो लिखने वाले लिख रहे हैं या गाने वाले गा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लिखेंगे ही नहीं, अगर आप गाएंगे ही नहीं तो सुनने वाला कैसे सुनेगा? वो बात ठीक है, मान के चलिए अगर सुनना बंद कर देंगे तो हम भी लिखना बंद कर देंगे। तो पहले आप ही बंद कर सकते हैं ना, आप लिखना बंद कर दीजिए, गाना बंद कर दीजिए। मुझे लगता है कि दर्शक को जब मिलेगा ही नहीं, अभी एक भोजपुरी में गाना आया है आपने सुना होगा कि क्या था कि जंतर बना दी ओझा जी सैया के दूंच बढ़ जाए, इसका मतलब क्या बताइए? आप कहा कि भोजपुरी का गाना लिखते हैं तो बताइए आप। तो इसका मतलब तो यही है, कोई ये अब गाना मतलब पड़ोस रहा है तो कोई अश्लील समझ रहा है उसको, अश्लील गाना ये भी नहीं। इसका पॉजिटिव क्या है, क्या है पॉजिटिव कि दो इंच बढ़ दो इंच बढ़? वो हाइट के लिए बोल रही है, वो हाइट के लिए बोल रही है, वो बोल रही हाइट के लिए। जैसे आपके भोजपुरी के जो गीतकार होते हैं ना ऐसे ही बात को घुमाते, कोई भी अश्लील गाना के जाके पूछेगा ना तो पॉजिटिव। अब बताइए आप गाना एक बार जाके सुनिए कि सैया के दो इंच बढ़ गई, आगे का जितना लाइन सुनिएगा मुझे नहीं लगता कि हाइट के बारे में बात कर रही है। हाइट के बारे में वो बोल रही है, जैसे कि उसका पति है तो पति है तो बोल रही है मतलब कि जो आर्मी में कोई में ऐसे मतलब फार्म में आर्मी का बात भी नहीं हुआ, अरे कोई भी इसमें हुआ है। एक और गाना आया था कि खोदी खोदी ढूंढी के कुआं कई लेवा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका तो मतलब हम नहीं बता सकते, अश्लील का भी, इसका भी पॉजिटिव बता दीजिए क्योंकि आपने दो इंच का बता दिया पॉजिटिव, तो इसका भी होगा कुछ। अश्लील गाना बहुत बज रहा है, ऐसा बात नहीं है सबका मतलब अश्लील और बहुत भी गाना। एक और गाना था कि हमारा लहंगा से माल चुहता, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ ये तो गाना गलत है, ऐसा मतलब इसका तो आप गलत नहीं लिखते है? लिखते है, क्यों नहीं लिखते है, लिखते है, लेकिन जो क्या लिखते है जैसे मतलब वो आता है हमको वैसे हम लिखते है। लिखिए ही ना ना, लिखिएगा ना कोई गाना, लेकिन छोटे छोटे सिंगरों का दोस्त नहीं, क्योंकि जो बड़े सिंगर हैं और खेसारी लाल हो या पवन सिंह हो, इन लोगों का भी अश्लील गाना आते रहता है। अभी 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 आया था इसका खेसारी लाल यादव का तेल करके कुछ आया था ना कड़ुआ तेल, ये भी अश्लील ही गाना है। एक बर्फ का आया था, बताइए जब बड़े बड़े ऐसे सिंगर करेंगे तो छोटे छोटे तो करेंगे ही। आप क्या चाहते हैं, अश्लील सुनाइएगा कि बिना अश्लील वाला सुनाइएगा? नहीं, ऐसे ही बढ़िया गाना है, बेवफाई सॉन्ग है, सुना दीजिए। कातिल जमाना बाटे मडले ई मोतिया के करा से करी हम दिलवा के बतिया, कातिल जमाना बाटे मडले ई मोतिया
केकरा से कही हम दिलवा के बतिया कैसन होई हमरे के जोही गिरत होई रखिया से धार हो रोकना हमके जाए द भैया रोकना हमके जाए द भैया देखे द सूरत मोरयार के। बताइए इसके लिए तो मैं तारीफ करना चाहूँगा। देखिए असली लिखते हैं लेकिन बिना असली आपने इतना अच्छा गाना गाया है और आपने खुद से लिखा था तो नंबर हम दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तो इनसे गाना ले सकते हैं। देखिए मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर लेकिन एक बात, मैं जिनका भी नंबर दूंगा आप उनको अश्लील गाना नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो जो भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आप भी सिंगिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं गाना निकालना चाहते हैं तो आप संजीव सांवरिया से मुलाकात कर सकते हैं। कि एक और गाना है जो अभी रिलीज नहीं हुआ है, मतलब अब आप बोल रहे हैं तो हम सुना दे रहे हैं। कब तक आ जाएगा जो सुनाएंगे वो? आ जाएगा, फिलहाल में आएगा, अभी जाने वाले हम दिल्ली जाने वाले हैं, उसके बाद आएगा। दिल्ली कहाँ रहते हैं? हम उधर महिपालपुर में रहते हैं, गुड़गांव के साइड। भोजपुरी सिंगर जितना है अवधेश प्रेमी धनंजय धड़कन सब उधर ही रहता होगा, मुलाकात तो होता होगा? सबसे मुलाकात होती है। तो उनसे बोलिए ना कि अश्लील नहीं गाइए। अश्लील अब पर्सनली कैसे बोल सकते हैं हम पर्सनली, क्योंकि स्टार है, क्योंकि वो भी स्टार है और पब्लिक के ऊपर है वो सब। हम जैसे जाई नदिया की नरवा यरवा आँख मारे सखिया हम जैसे जाई नदिया की नरवा यरवा आँख मारे सखिया आँख मारे सखिया रे आँख मारे सखिया आँख मारे सखिया रे आँख मारे सखिया मोरा धक धक मोरा धक धक धड़के जिया ये अश्लील है कि नहीं है? अश्लील नहीं है, बढ़िया गाना है। इसमें आँख मारने का मतलब? अरे आँख मारने का मतलब क्या है, असली इसका मतलब असली थोड़ी हो गया। देखिए संजीव जी से हमने बात किया, आपको भी जानकारी बहुत सारी मिली। देखिए ये बहुत अच्छा गाना लिखते हैं, बहुत अच्छी इनकी आवाज़ भी है। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आगे चलकर ये भी सिंगिंग की दुनिया में आएँ और अपना नाम कमाएँ और मेरे भी गांव का नाम रोशन करें जहां से हम दोनों बिलोंग करते हैं। लेकिन संजीव जी एक आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आने वाले समय में आप अभी दो गाना मुझे सुनाया जो कि अश्लील मुक्त था और मुझे लगता है कि जितने भी देखे होंगे आपको एक गाना भी अच्छा लगा होगा और इनका आवाज़ भी अच्छा लगा होगा। तो अगर इनका गाना सुनना चाहते हैं तो रिया फिल्म्स पे आता है ना? रिया फिल्म्स। आपका सिंगर कौन है जो ज़्यादा गाना गाता है? वो है डीजे राकेश राज, बहुत से है ऐसे गवाए हैं। तो देखिए यहीं पे वीडियो को एंड करना चाहेंगे और देखिए मैं हूँ रविशंकर कुमार और कैमरे के पीछे हैं हमारे मित्र हमारे दोस्त मिथिलेश दास जो कि एक ब्लॉगर हैं, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है मिथिलेश दास ब्लॉग करके, तो आप चाहे तो उनसे भी जुड़ सकते हैं और उनके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।